गर्मी यस आप मुझे नहीं किया तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये है मेरा सबसे पहला हॉल वीडियो सरोजनी नगर का। जैसा कि आपको पता है आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली है, अगर नहीं देखी तो जरूर देखो। इतनी गर्मी में जाके मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी तो वहां पे मैंने प्रॉपर शॉपिंग की थी और लकीली इस बार बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई मुझसे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक हॉल वीडियो बना दूं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, चाहे इसे अटेम्प्ट समझ लो, तो प्लीज मजाक मत उड़ाना। अगर अच्छा ठीक है समझ गया, आपको इसमें कुछ भी लगे कि ये करेक्ट करना चाहिए कुछ भी तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ दिखा दिया है कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और क्या क्या नहीं की है, बट उससे अलग मैंने सब कुछ उसमें कवर करने की कोशिश करी, बट मैं क्या क्या वहाँ से खरीद के लाई हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो ये अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ, ठीक है? तो जो सामने आता जाएगा मैं वो आपको दिखाती जाऊंगी और उसके प्राइस वगैरह मैं सब आपको बताऊँ। तो मैं शॉपिंग मैंने अपने साथ साथ कुछ अपनी फैमिली के लिए भी किया है तो मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? तो शुरुआत करते पहले हैंडपर्स से और जो मैं बैग वगैरह लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक ये स्लिंग बैग लिया था। आई नो ये कॉपी मैंने बहुत हाई ब्रांड के लिए कोच की, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफी स्पेशियस है ये। जैसे कि अंदर से आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेशियस है, मतलब आप अगर कहीं नॉर्मल कहीं जा रहे हो आउटिंग के लिए तो काफी अच्छा है, आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, साथ में इसमें स्लिंग भी दिया हुआ है, तो काफी अच्छा बहुत क्लासी सा मुझे लगा था और इसका प्राइस ओनली 300 रुपीज था, सो ये मुझे वर्थ लगा तो ये मैंने सबसे पहले ये लिया था। ठीक है, छोटू सा वॉलेट, जैसे आपको कार्ड्स वगैरह कुछ रखने हैं या कैश वगैरह तो आप ये कैरी कर सकते हो, इसका प्राइस है 100 रुपीज। जैसे कि ये वाला पर्स है ये भी काफी ज्यादा स्पेशियस है, अंदर से आप देख सकते हो काफी सारी पॉकेट्स हैं, आप कार्ड्स वगैरह कैरी कर सकते हो, तो ये 100 रुपीज में मुझे अच्छी डील लगी तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, एक मैंने लिया था, ये थोड़ा बड़ा है साइज में, मैं आपको इसे दिखाती हूँ। बैग मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया है, वो टीचर है तो उनको बड़े बैग की जरूरत रहती है, लाइक वो अपना वाटर बॉटल लंच बॉक्स वगैरह सब सामान कैरी करती है, बुक्स वगैरह लेके जाती है, इसमें भी काफी ज्यादा स्पेस है एंड ये देखने में बहुत क्लासी था तो मुझे ये बैग फर्स्ट लुक में ही पसंद आ गया था, तो ये मैंने उनके लिए लिया है और इसका प्राइस जस्ट 300 रुपीज है। क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत अच्छी, बहुत ही डिसेंट सा बैग है, बहुत अच्छा था, तो ये मुझे बैग बहुत अच्छा लगा, तो बैग्स तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मोबाइल कवर्स। जैसा कि आपको पता है मुझे मोमोज पसंद है, सेम उसी तरह मुझे मोबाइल कवर्स का बहुत शौक है, तो मेरे पास है iPhone 11, मैंने उसके ये दो कवर्स लिए थे, एक तो ये लिया था एक मैंने ये लिया था, इन दोनों का प्राइस मुझे 350 पड़ा था, 450 बोला था उन्होंने, बहुत मुश्किल से 4-5 दुकान मैंने देखी, स्टिल ये 350 में मैंने दोनों ले लिए थे, बहुत टाइम बाद अच्छे कवर भी मुझे मिल गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब मैंने आपको नेक्स्ट चीज दिखाती हूँ, मैंने अपनी डॉटर के लिए बहुत क्यूट से सनग्लासेस लिए थे, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही क्यूट लगे मुझे ये, तो मैंने ये, इसका प्राइस जस्ट 100 रुपीज था, फिक्स प्राइस था तो इसमें मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं की। ठीक है, तो दिखाती हूँ मैंने क्या फुटवेयर्स लिए थे वहां से। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये बैली मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी वहां पे। नॉर्मली मैं पूजा वगैरह या कहीं बाहर जाती हूँ तो सूट कैरी करती हूँ, सूट पहनती हूँ, तो मुझे ये बहुत क्लासी और बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन लगा था एंड इसका कॉस्ट 350 था, विच इज टोटली वर्थ इट, तो मैंने ये बिना सेकंड थॉट के ले लिया था। अब बैली के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वहां से कौन से शूज लिए हैं। मुझे कन्वर्स के शूज बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने वहां से ये ब्लैक कलर के कन्वर्स के लिए थे, इसका प्राइस मुझे 550 पड़ा था, सभी शॉप्स पे 600-650 बोल रहे थे और लास्ट प्राइस जो बार्गेनिंग के बाद हुआ था वो 550 था। मेरे पास इसके ओरिजिनल भी है जिसका प्राइस 3000 या 4000 के बीच में था और ये सेम एग्जैक्ट कॉपी है, तो मैंने सोचा 550 में क्या बुरी डील है, ले लेते हैं, कौन सा कोई इतना चेक कर रहा है। फिर मेरी सिस्टर मेरे साथ गई थी तो हमें ट्यूनिंग करनी थी तो हमने सेम एक जैसे पेयर लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ अगर आपको लगे इस, ये देखो, तो हमने लिए थे कि हमें ट्यूनिंग करनी थी तो हमने ये शूज साथ में लिए थे। तो फुटवेयर्स में बस हमने यही तीन चीज ली थी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कपड़ों में मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ठीक,
सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी सिस्टर ने अपने लिए कुर्ती ली थी, क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट है, वो जाती रहती है, तो उन्होंने की ये कुर्ती ब्लू कलर की थी, पूरी सेम ही है, इसमें नीचे तक सेम वर्क हो रखा है। एंड इसका प्राइस उनको 150 पड़ा, प्योर कॉटन की है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी लगी, कलर बहुत प्यारा था, तो ये 150 की कुर्ती थी, विच इज ऑब्वियसली वर्थ इट। एंड पूरी मार्केट में ओवरसाइज टी शर्ट ही दिख रही थी मुझे, इतना ज्यादा क्रेज था सरोजनी मार्केट में इस टाइम, तो हमने ज्यादातर टी शर्ट ही बाय करी, लाइक मैंने अपने हस्बैंड के लिए टी शर्ट बाय करी है, मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए, इवन हम लोगों ने भी अब यही टी शर्ट वेयर करते हैं, चाहे हम जिम जाते जब बाहर जाते, तो हमने मोस्टली वही लिए। तो मैं आपको टी शर्ट का कलेक्शन दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ और जो हम वहाँ पे छोड़ आए हैं और लेके आएंगे, वो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल गया। पहले जो मुझे अच्छा लगा था, आई एम बिग फैन ऑफ मनी हाइस, तो मुझे ये पहले लुक में ही पसंद आ गई थी, बेला चाओ, ये मैंने ली थी, इसका प्राइस था 200, बहुत अच्छी टी शर्ट थी, ब्लैक में थी और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो मैंने ये ले ली थी। सभी टी शर्ट का प्राइस 200 रुपीज है, ठीक है, तो मैं आपको अब दिखाती जाती हूँ। पहली टी शर्ट ये थी ब्लैक में, ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली थी असेंशियल की, कलर बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा कलर है ये, तो मैंने ये उनके लिए ली थी 200, सेम प्राइस। एंड उसके बाद ये एक हमने ली थी पर्पल कलर में, आजकल ये बहुत ट्रेंड में फैशन है कि लाइक बैक में आपको प्रॉपर वर्क मिलता है जो भी कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो ये बहुत प्यारी टी शर्ट थी, कलर बहुत प्यारा लगा इसका, तो हमने एक ये टी शर्ट ली थी। ये टी शर्ट हमने ली थी ब्लू कलर की, ये भी मेरे हस्बैंड के लिए है, तो ये भी काफी अच्छी थी। एंड एक टी शर्ट हमने जो थी वो क्रॉप टी शर्ट ली थी, ये क्रॉप में है, इसके भी बैक में ये नारुतो की टी शर्ट है, मे बी बहुत लोगों को पता हो, काफी ज्यादा ही फेमस ये एनिमेटेड कार्टून है नारुतो, मुझे तो पता भी नहीं, शायद आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये मेरी सिस्टर इन लॉ को बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है, तो टी शर्ट्स का यही कलेक्शन था। और एक मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए ली थी ब्लू कलर में, उसका मैं फोटो कहीं साइड में डाल दूंगी, क्योंकि उन्होंने वो पहन रखी है, तो ऑब्वियसली मैं उनसे बोलूंगी कि उतारो मुझे दिखानी है, तो वो उनको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने वो पहन रखी है। टी शर्ट की बात की जाए तो सभी टी शर्ट्स का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा था, क्वालिटी की बात करूं तो बहुत अच्छी थी। अगर आप सिंगल टी शर्ट लोगे तो बहुत सी शॉप्स में आपको 250 की मिलेगी, अगर आप कॉम्बो में लोगे तो आपको 400 की पड़ेगी, तो हमने सारी टी शर्ट कॉम्बो में ली थी, तो हमें 200 की ही पड़ी थी। टी शर्ट का तो ये हो गया, अब स्टार्ट करते हैं, आपको मैं ट्राउजर और जीन्स दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिए। एक ये ओवरसाइज्ड ट्राउजर मैंने अपने लिए लिया था, इसका कॉस्ट 150 था, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत लूज फिट का है, आजकल यही फैशन है। नेक्स्ट ट्राउजर या जीन्स आप बोल लो लूज फिट में जो है, वो मेरी सिस्टर ने ली थी, सिस्टर नहीं या सिस्टर लॉ बोलो, कुछ भी बोलो, सिस्टर ही होते हैं, तो ये उन्होंने ली थी, सेम ही है हम दोनों का, बट ये कलर डिफरेंस है थोड़ा, पैटर्न बिल्कुल सेम था, बस उनकी थोड़ी डार्क है, मेरी थोड़ी लाइट है। और एक उन्होंने थोड़ा घर में पहनने के लिए थोड़ा ट्राउजर फिट में लिया था, एक ये ग्रे कलर का, इसका कॉस्ट 100 रुपीज था, ठीक है, ये भी काफी कंफर्टेबल और प्योर कॉटन में है, तो गर्मी में इतना कंफर्टेबल है पहनने में, तो ये भी बहुत अच्छा था। एंड लास्ट जो उन्होंने परचेज की थी वो ये डार्क ब्लू कलर का कॉटन ट्राउजर है, इसका भी कॉस्ट 100 रुपीज है, बहुत बहुत अच्छा कलर और अच्छा इसका पैटर्न है, तो ये भी बहुत अच्छा था और 100 रुपीज का प्राइस था। तो क्वालिटी की बात करें तो कपड़े सभी बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, ठीक है। अब देखते हैं हमने लास्ट क्या शॉपिंग की थी। लास्ट जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैंने सॉक्स की शॉपिंग की थी, बिकॉज शूज वगैरह वेयर करते हैं तो सॉक्स की जरूरत पड़ती है, जिम वगैरह जाते हैं, तो 3 pair तो मैंने ये परचेज किए थे, ब्लैक ब्लू एंड ग्रे, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, ठीक है। एंड एक मैंने पूरा सेट ये परचेज किया था सेम कलर, एंड इन दोनों का कॉस्ट मुझे 200 पड़ा था, तो ये भी अच्छी डील थी, इतना कुछ बुरा नहीं था, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। सो ओवरऑल मेरी शॉपिंग ये थी, एंड इन सब सामान को कैरी करने के लिए मैंने एक ये बैग खरीदा था, इसका प्राइस 70 रुपीज था, वो जो मुझे महंगा लगा बिकॉज वो बाद में सबको 50-50 रुपीज का सेल कर रहे थे, बट ठीक है चलता है इतना। तो एंड वहां पे हमें ज्वेलरी वगैरह लेने का टाइम नहीं था, काफी लेट हो गए थे, बट ओवरऑल शॉपिंग ये थी। एंड ये लाइफ की मेरी फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने इतना सारा शॉप कर लिया, तभी मैंने सोचा इसकी एक हॉल वीडियो बनाई जाए। मुझे वहां पे यूजुअली इतना कुछ जल्दी नहीं समझ में आता, बट हाँ इस बार किया तो सोचा क्यों ना एक हॉल वीडियो ट्राई की जाए।
तो प्लीज बताइएगा कि आपको ये हॉल वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आप कमेंट करते हो, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। अगर आपने मेरा सरोजिनी नगर का ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, पोस्ट कर दूंगी, आप उसको पहले देख लीजिएगा। एंड बाकी सभी वीडियोस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे आप बाकी अदर सोशल साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो यार, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड यस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।